नोकिया 106 4G में आपको यहाँ पे यूज़र गाइड देखने के लिए मिलता है, एक बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि 1450 mAh का बैटरी है, और यहाँ पे आपको चार्जर देखने के लिए मिलता है जो कि माइक्रो USB से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन देखने के लिए मिलता है और फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आपको पीछे में ग्रिप वाला आपको हिसाब के साथ देखने के लिए मिलता है। थिकनेस की बात करें तो एंड्रॉइड फोन के हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा थिकनेस तो है। माइक्रो USB से आप चार्ज कर सकते हो। ऊपर के साइड में आपको एयरफोन लगाने का जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और टॉर्च आपको देखने के लिए मिलता है। कीबोर्ड के जो एक क्वालिटी है काफ़ी अच्छे क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि नोकिया का आपको बिल्ड क्वालिटी पता है, ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलेगा। और दो सिम लगा सकते हैं, दोनों सिम आप 4G लगा सकते हैं और जो कि VoLTE होगा, और एक आप SD कार्ड लगा सकते हैं आप 32 GB तक। लैंग्वेज की बात करें तो लगभग 13 लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग, अगर आप क्षेत्र के हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लैंग्वेज लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि इसमें जो है कॉन्टैक्ट में इमोजी हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप इमोजी का फोटो जैसे कि आप डाउनलोड कीजिए, आप उसको लगा लीजिए, या जैसे कि जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है आप उन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर का इमेज लगा लीजिए, हो जाएगा। 2000 तक आप इसमें कॉन्टैक्ट को सेव करके रख सकते हैं, आप फेवरेट रख सकते हैं, और यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स इस तरह से अलग अलग जैसे कि आप चार्ट बना करके उसमें फ्रेंड्स का या फैमिली का नंबर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें अलार्म आपको देखने के लिए मिलता है, अलार्म आपको यहाँ पे नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉयड में जिस तरह से होता है कि बहुत एडवांस अलार्म है, हर चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। जिस तरह से एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जो आप क्लाउड देख रहे हैं ये नोकिया का कीपैड फ़ोन का क्लाउड है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको फ़ोन को अपडेट कर देना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद ये क्लाउड वाला ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए मिल जाता है, यूट्यूब मिलता है, क्रिकेट का अपडेट्स देख सकते हैं, BBC हिंदी न्यूज़ है, और भी न्यूज़ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिले। इसमें आपको फेसबुक भी देखने के लिए मिलता है जो कि ओपेरा मिनी से डायरेक्टली चलेगा, तो आप फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें इंटरनेट भी चला सकते हैं, जैसे कि ओपेरा मिनी में किसी वेबसाइट को आप जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अभी इसमें सिम नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जियो का सिम आप लगा सकते हैं, एयरटेल का सिम लगा सकते हैं, वोडाफोन का कोई भी सिम आप लगा सकते हैं, वो 4G अगर होगा तो ये सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे कि जियो में जो जियो फ़ोन का रिचार्ज आता है बिल्कुल बेसिक वाला, वो रिचार्ज यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको एंड्रॉयड वाला जो रिचार्ज होता है वही आपको कराना पड़ेगा, तब जा करके आप इसमें इंटरनेट वगैरह कॉलिंग वगैरह HD में ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोकिया फ़ोन में अब जो है UPI का जो है अपडेट आ चुका है, तो आप जैसे कि पेमेंट किसी को करना चाहेंगे तो एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता नहीं है, गपशप एक एप्लीकेशन आता है उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। नोकिया का सिग्नेचर गेम जो कि सांप वाला गेम है, स्नैक वाला गेम, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा था, अभी के जितने भी कीपैड फ़ोन आ रहे हैं उसमें भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो टाइम पास करने के लिए ये गेम बहुत बेहतरीन गेम है। इसमें और भी बहुत सारा गेम आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसको बाय करना पड़ेगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जियो का सिम है तो आपको ये फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें आपको रेडियो भी देखने के लिए मिलता है। और खुशी की बात यह है कि बिना एयरफोन के आप जो है इसमें रेडियो को सुन सकते हैं और रेडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका फेवरेट प्रोग्राम है तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सेटिंग के कनेक्शन सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी देखने के लिए मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ब्लूटूथ का एयरबड्स है, स्पीकर है, या जो चीज़ जो ब्लूटूथ को सपोर्ट करता हो इस फ़ोन से आप कनेक्ट करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ भी आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, आप कीपैड का वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मैसेज का वॉल्यूम टोन को कम कर सकते हैं, उसी तरह से रिंगिंग का वॉल्यूम को आप अप डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको वाइब्रेशन भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप इसे वाइब्रेट पे भी रख सकते हैं और साइलेंट पे भी रख सकते हैं, वाइब्रेशन भी रख सकते हैं, और आप म्यूजिक भी रख सकते हैं डिस्प्ले का लाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका जो एक स्लीपिंग टाइम है जैसे कि कीपैड का बैकलिट टाइम होता है वो आप 15 सेकेंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं, 2 मिनट तक कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का टाइम भी आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये सब सारा आपको सेटिंग्स इसमें देखने के लिए मिलता है। म्यूज़िक प्लेयर देखने के लिए मिल जाता है, तो MP3 सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो सॉन्ग भी सुन सकते हैं आप, या कुछ भी MP3 में आप सुनना चाहें तो आप इसमें सुन सकते हैं। इसमें आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप फ़ोटो वीडियोज़ जो नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं वीडियोज़ वो सब आप देख सकते हैं, फ़ोटो रख सकते हैं, MP3 रख सकते हैं, ये सब रखने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टॉर्च भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, एयरफोन 3.5 आप इसमें लगा सकते हैं और ईयरबड्स भी लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारा एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको हॉटस्टार
वाईफाई ये अभी देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाला फ़ोन में ये चीज़ देखने के लिए मिले। और ऐप्स की जहाँ तक की बात है, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये सब नहीं है, लेकिन क्लाउड जो प्ले स्टोर है इनका एक तरह से, उसमें फ्यूचर में मे भी व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम भी आ सकता है। लास्ट में यहाँ पे कुछ हम डाउट्स क्लियर करना चाहेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन है स्पीड डायलर मिलता है कि नहीं, तो स्पीड डायलर इसमें देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है कि नहीं, देखिए आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलिंग के टाइम में रिकॉर्डिंग को मैनुअली कर सकते हैं और नंबर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। इसमें जो ऐप का आइकन है वो छोटा रहता है, लेकिन आपको बड़ा भी करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि फॉन्ट का साइज़ को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जूम कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट का साइज़ है, जैसे कि छोटा छोटा जो टेक्स्ट दिखता है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 2200 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो ये जो नोकिया 106 4G का आप वीडियो देख रहे हैं, ये हम अगस्त के महीने में 2024 में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी अपडेट था हमने आपको अपडेट में रख दिया। जैसे कि नया अपडेट की बात करें तो YouTube शॉर्ट्स और YouTube को भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस फ़ोन का है, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।